है ढोलारी ढाणी, जहां हैदराबाद में भी राजस्थान की झलक मिलती है। ढोलारी ढाणी को हैदराबाद से 11 किलोमीटर दूर बसाया गया है। यहां पहुंचकर आपको लगेगा कि जैसे आप किसी राजस्थानी गांव में पहुंच गए हैं। राजस्थान से जुड़ी हर चीज आपको ढोलारी ढाणी में मुहैया है। राजस्थान का खाना पीना, कपड़े, रहन सहन और खेल तमाशे, ये सब आपको एक ही पल में राजस्थान पहुंचा देते हैं। लकड़ी बिल्कुल अलग अलग है सबकी, देखिए अब कैसे जुड़ जाएंगी। एक दो तीन, देखिए सब जुड़ गई है। इतना बड़ा रस्सी है, ये वाली रस्सी खींचूंगा ये वाली रस्सी चल पड़ेगी, और ये वाली रस्सी खींचूंगा ये वाली चल पड़ेगी। कहने में चलो और मंत्र में चलो, देखिए सर जी यहाँ से अलग अलग कर देंगे, अलग अलग में चलो धागे, कहने में चलो धागे, मंत्र में चलो धागे, पीछे से भी अलग अलग, अलग अलग में चलो, अब तुम्हें खींचेंगे तुम चलो, तो यहाँ रख देंगे सर। कान पकड़ लूँ बच्ची आओ, कान पकड़ी वाला। राजस्थान के लोकगीतों से प्यार करने वाले लोग यहाँ राजस्थानी लोकगीत सुनकर झूम उठते हैं। गाने वाले की आवाज एक ही पल में आपके सामने राजस्थान का मंजर पेश कर देती है। ढोलारी ढाणी में राजस्थान की हर फनकारी, दस्तकारी और कलाकारी के नमूने मिलते हैं, जिन्हें आप अपनी यादगार के तौर पर अपने साथ ले जा सकते हैं। ढोलारी ढाणी राजस्थान के हर रंग में डूबा हुआ है। अरे वाह, जरा देखिए तो सही कि कठपुतलियां कैसे नाच रही हैं। कलाकार ने जैसे कठपुतलियों में जान डाल दी हो। इन पपेट्स की हरकतें और अदाएं इंसान से कितनी मिलती जुलती हैं। कठपुतली को बनाने वाला पहला आदमी जिसने कठपुतलियों का इजाद किया था, उसका मकसद जरूर इंसान को तफरी का सामान मुहैया कराना रहा होगा। तभी तो कठपुतलियां आज भी इंसान की तफरी के लिए नाचती हैं, तमाशे करती हैं। कठपुतलियां जितनी खूबसूरती से अफसाने और हकीकत बयां करती हैं, जो भी इंसान यहाँ आता है इन कठपुतलियों को दाद दिए बिना यहाँ से नहीं जाता। वैसे दाद तो उस फनकार को भी देनी चाहिए जिसकी उंगलियों में कठपुतलियां नाचती हैं। Thank you.
इस जंगल आकर आपको महसूस होगा कि आप जानवरों की एक निराली दुनिया में आ गए हैं, लेकिन जनाब ये असली नहीं नकली दुनिया है जो पत्थरों से बनाई गई है। जी हाँ, पत्थरों से बने जानवर आपको सच्चे लगने लगते हैं। ये फनकार की फनकारी का ही कमाल है जिसे आप दाद दिए बिना नहीं रहेंगे। आप इस बंदर को ही देख लें, है ना, इस कमाल की दुनिया का एक शानदार नमूना। इस जगह में इंसान के आदम के जमाने से उसके इंसान बनने की कहानी को भी नकली गुफाओं में बेहद दिलकश अंदाज में दिखाया गया है। आपको ये सब कुछ देखकर सच लगने लगता है, ये पत्थर के जानवर और इंसान हमारी तरक्की की कहानी कहते हैं। यकीन कीजिए, यहाँ आना ऐसा है जैसे आप जंगल में पुराने वक्त में चले गए हों। सच बताइए, लुत्फ उठाया ना आपने ढोलारी ढाणी में मौजूद राजस्थानी माहौल का? आपने राजस्थान की रवानगी को महसूस किया होगा। सच में हैदराबाद में बसे इस राजस्थान की बात ही कुछ निराली है। हमें यकीन है कि आप इसे जरूर याद रखेंगे।